सब नादान अवोद थे, सबको सिखाया गया। ये तक समझना नहीं आता था जिसने हमको जन्म दिया वो हमारी माँ है, हमारे लिए तो सब अपरिचित थे। हर एक चीज को हमें सिखाया जाता है। ये करो, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पिता हैं, जरा विचार करें। लेकिन जब वो बालक आता है और आते ही माता उसे अपने आंचल में छुपाकर दुग्ध पान कराती है, दूध पिलाती है ना, कौन बताता उसे कैसे पीना चाहिए? आप बताते? क्या उसमें बुद्धि है समझने की? नहीं महाराज, उसके मानसिक विचारों में वो अभ्यास छुपा होता है, ऐसे पीते हैं और वो आरंभ कर देता है। क्योंकि उसने कोई एक जन्म के थोड़ा ना, इसी जन्म में थोड़ा ना माँ का दूध पी रहा है, अनंत अनंत जन्मों से पीता चला रहा है। तो उसकी वो अभ्यास भीतर मन की स्थिति में छुपे रहते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी चीजें होती हैं कि किसी व्यक्ति को देख करके आपको बड़े सुख की अनुभूति होती है। वो नजदीक आते ही आपको ऐसा लगता है जैसे मैं इसको जानता हूं, कुछ ही देर में वो घुल मिल जाता है, कुछ समय के अंदर ही। क्यों? क्योंकि उसका संबंध आपके पुनर्जन्म से है, आपकी आत्मा उसको देखकर प्रसन्न हो रही है, उसको देखकर जान रही है, लेकिन आपका शरीर अलग होने के कारण उसका प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है आप पर। तो जन्म जन्मांतर से न जाने कितना कुछ हमने जोड़ा है और हर बार छोड़ा है, हर बार नए रिश्ते बनाए हैं, हर बार छोड़ा है, लेकिन एक को नहीं पकड़ा। बस इसलिए हमारा झगड़ा है। और वो एक कौन है? ठाकुर से ही प्रेम करना था, माने कि सारे रिश्तों को अपना माने, जिनको प्रभु ने कर्तव्य के साथ सौंपा है उस सब धर्म का पालन करें। लेकिन ये ना भूलें कि जो हमारा स्वरूप है, जो हमारे अंदर हमें चेतना दे रहा है, जो हमारा आत्म स्वरूप है, वो केवल परमात्मा है। हम उसके ही पुत्र हैं, इसलिए उससे प्रेम होना बहुत आवश्यक है। कई बार लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ क्यों करें? अरे क्या भगवान पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं? हम पूजा नहीं करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? अरे वो भगवान कैसा है जो अपने बालकों से पूजा पाठ चाहता है? अरे नहीं महाराज, प्रभु आपसे कभी आकर कहते हैं क्या मेरी पूजा करो? कभी कहा किसी से? नहीं, वो आपके ऊपर है, आपका प्रेम कितना है। भक्त कोई दबाव से आकर भगवान की पूजा नहीं कर रहे, जो कर रहे होंगे वो मूर्ख हैं। अरे भक्त तो अपनी ओर से जितना हो सके वो करता है, जताता नहीं कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अरे प्रभु, ये शरीर आपका, ये सब कुछ आपका, बल्कि आप तो रात दिन मेरी पूजा कर रहे हैं। हम भगवान की क्या पूजा करेंगे? ज्यादा से ज्यादा एक घंटा दो घंटा सुबह, दो चार घंटा शाम, इससे ज्यादा कौन चौबीसों घंटे? वो तो विरले होते हैं ठाकुर जी के निराले भक्त जो चौबीसों घंटे ठाकुर की याद में लगे रहते हैं। लेकिन प्राय अगर देखा जाए तो प्रत्येक एक सनातन वैदिक धर्म को, हिंदू धर्म में रहने वाले व्यक्ति को सुबह शाम दीपक जलाना चाहिए अपने घर में। अपने घर में एक देवालय रखना चाहिए। देवालय माने जहाँ मंदिर भले छोटा सा, भले आपके पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं है, एक आले में ही रख लें, लेकिन अवश्य आपके यहाँ एक विग्रह होना चाहिए और सुबह शाम दीपक अवश्य जलना चाहिए, जिससे उस घर में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में अंधकार ना हो। प्रकृति रात दिन हमारा स्वागत करती है और ये प्राकृतिक चीजें हैं। हमें प्रकृति से जुड़ करके ही जीवन है, प्रकृति से हट करके नहीं। इसलिए प्रकृति का स्वागत करना हमारा अधिकार है। प्रकृति रात दिन हमारा स्वागत करती है, कभी विचार किया आपने? सुबह शाम
हमारी पूजा भले ही अभिमान कर लें कि हम इतनी बड़ी साधना करते हैं, ये कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए, ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे दिव्य भक्त हुए जिन्होंने अपना जीवन ठाकुर जी के लिए लगा दिया, प्रभु के लिए लगा दिया। और हम प्रभु को क्या दे सकते हैं, वो तो स्वयं संसार को देने वाला है। लेकिन जब हम कुछ अर्पण करते हैं प्रभु को, तो उसमें हमारे भावों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, ये सारी सृष्टि उस परमात्मा की ओर वही दे रहे हैं, कोई ऊपर से लेकर नहीं आया। ये वैज्ञानिक आदि भी कुछ अगर बनाते हैं तो अलग से नहीं बनाते, वही ब्रह्मा के बनाए हुए तत्वों में से प्लस माइनस करते रहते हैं। कोई अलग से थोड़ा ना कुछ बनाता है, उसी परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि से ही हम सभी उपभोग करते हैं, तो उसको कौन क्या दे सकता है। लेकिन जब हम देते हैं प्रभु के लिए, कुछ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो उसमें हमारे प्रेम का प्रदर्शन होता है। कैसे, ऐसे समझें, एक छोटा सा बच्चा है, अपने पिता के पास गया और पिता से कहता है, पिताजी पिताजी मुझे अभी की अभी 10 रुपए चाहिए। पिता कहे, अरे तू बड़ा खर्चीला हो गया, जब देखो जब प्रतिदिन मांगता है, आज नहीं मिलेगा, जाए यहां से। वो चिल्लाए, कुर्ता पकड़ ले, नहीं नहीं मुझे चाहिए, रोने लग जाए, पैर हाथ पीटे और कहे मुझे अभी के अभी चाहिए, मुझे दे। और पिता देखे तो उसे झगड़ करके, डांट करके 10 का नोट अपनी जेब से निकाल के दे, और वो दौड़ कर जाए दुकान पर, जाकर 10 रुपए की एक चॉकलेट खरीदे, दौड़ कर फिर पिता के पास है, पिताजी ये लो आज आपका जन्मदिन है। तो हुआ क्या, वही पिता के आंखों से अश्रु झर जाएंगे, प्रेम से उसे गले से लगा लेगा, अरे भैया तू मेरे लिए मांग रहा था ये सब, तूने मेरे लिए ये सब किया। तो देखिए, बाप का ही पैसा था महाराज, पिता का ही पैसा था, किसी अनत्र से नहीं लेकर गया, पिता की संपत्ति थी। लेकिन प्रेम का प्रदर्शन और रूपांतरण देखिए कि उसने उस पैसे का उपयोग प्रभु के कार्य में अपने पिता की प्रसन्नता के लिए लगाया। तो जब हम भगवत कार्य में, सत्कर्मों में, अच्छे कार्यों में उसी पैसे को, जो प्रभु की संपत्ति है, भगवान का ही दिया हुआ है, उसे लगाते हैं, तो वो प्रभु की प्रसन्नता का कारण बनता है। ये भाव नहीं है कि हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं, लेकिन उसमें प्रेम का रूपांतरण देखिए कि मेरे लिए, मेरी इच्छा के लिए, मेरी प्रसन्नता के लिए इसने ये कार्य इसमें लगाया। इसलिए हमें हमेशा सतत सत्कर्म करने चाहिए। आज ये कर्दम ऋषि जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे, इन्होंने भगवान की तपस्या